नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास देखिए एक 22 इंच का एलजी का मॉनिटर आया हुआ है टीएफटी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए ऑन कर रखा है मैंने, अभी एक हमारे भैया उन्होंने इसको खोल रखा था, तो देख सकते हैं ये डिस्प्ले में, वैसे तो आप ऐसे देखेंगे ब्लैंक है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ हरकत है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर नीचे एक कलर पिंक कलर टाइप का ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें इसी प्रॉब्लम में आया, तो ये हमारे भैया हैं उनके पास आया हुआ, जो कि सेट खुला हुआ था। मैं सोचा चलो इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि मेरे प्यारे मित्रों तक पहुंच सके ये फॉल्ट। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये पैनल जो लगा हुआ है तो इसमें देखिए दोस्तों 1 2 3 4 कॉफ है। इसमें मैं पहले वोल्टेज चेक करा दूँ, ये 5 वोल्ट का पैनल है दोस्तों, देख सकते हैं 5 वोल्ट का पैनल है। और इसका ये देख सकते हैं आप लोग, यह है ABDD का टेस्ट पॉइंट, ये वाला, ये देखिए ABDD लिखा हुआ है, जो कि 8 वोल्ट है इसमें। और यहीं है हमारे नीचे BGL, ये वाला देख सकते हैं, ये BGL है, ये BGL का टेस्ट पॉइंट है, ये देख सकते हैं BGL, जो कि हमारा 3.9 के आसपास है। और इसका हम BGH चेक करेंगे, BGH कितना बन रहा है, तो यहीं देखिए हमारा BGH भी है, ये देख सकते हैं BGH का टेस्ट पॉइंट है। तो BGH लगभग हमारा ठीक आ रहा है, तो इसमें हमारा BGL देख सकते हैं और ABDD वगैरह बहुत कम वोल्टेज बन रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले एक बार मैं सेट को ऑफ़ करूँगा, ऑफ़ करने के बाद मैं ऑन करता हूँ। देखिए ये इंडिकेटर ऑन हो गया मेरा, अब मैं इसका प्रॉब रखूँगा। देखिए हमारा ABDD 12 वोल्ट बना हुआ है अभी, लेकिन जैसे सेट प्रॉपर ऑन होता है तो ये हमारा माइनस, ये अप एंड डाउन कर रहा है, देखिए माइनस कम हो गया, मतलब वोल्टेज कम हो गया, माइनस में आ गया, ये 8 वोल्ट के आसपास है, ये देख सकते हैं। मैं BGL भी एक बार चेक करा दूँ ऑन ऑफ करके आपको, ये देखिए BGL भी अभी सही बन रहा है, लेकिन ये प्रॉपर ऑन होने के बाद ये माइनस में चला जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा गेट सिग्नल वाला पैनल है, जो हम CK भी कह सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके, और हमारे इस साइड में भी ये CK भी मार्क रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इसके दोनों साइड के CK भी ओपन करके देखेंगे किस तरफ से हमारा शॉर्टिंग के कारण हो रहा है, या पैनल में कुछ और शॉर्टिंग है, या इस कलर में शॉर्टिंग है। तो बने रहें दोस्तों वीडियो पर, बहुत ही अच्छा ट्रिक मिलने वाला है और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत ही उम्मीद लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, मैंने अभी इसका जो अभी लेटा हुआ, तो मेरा ये लेफ्ट साइड है, तो अभी मैंने रेजिस्टेंस हटा दिए हैं इसके सारे। अब ऑन करके एक बार वोल्टेज चेक कर लूँगा मैं, क्या अभी भी मेरा सेम कंडीशन में है या मेरा वोल्टेज प्रॉपर है ऑन होने के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने BGL के टेस्ट पॉइंट पर प्रॉब रखा हुआ है, तो वोल्टेज जहाँ तक है मेरे ये ओके हो चुके हैं, वोल्टेज में अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा। ABDD चेक करा दूँ, ये भी 12 वोल्ट ठीक है। तो एक बार इसका पैनल चेक करते हैं उठा के, अभी भी कोई दिक्कत है या पिक्चर हमारा ठीक बन रहा है। तो अभी भी दोस्तों देख सकते हैं इसमें कोई भी हरकत नहीं है हमारा, ये देख सकते हैं एक बार टाइप का बन रहा है इसमें, ये बार बार टाइप का आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा भी हमें और कुछ वो करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने दिखाया आप लोगों को कि मैंने इधर का रेजिस्टेंस सारे हटा दिए थे, तो एक्चुअली क्या है, रेजिस्टेंस जब मैंने हटाए थे तो वो आयरन के साथ नीचे गिर गया था, तो मैंने इसमें डायरेक्ट जंपर मार दिया, देख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट जंपर मार दिया, तो हमारे इस साइड कोई शॉर्टिंग नहीं है। इधर भी उठाने से हमारा वोल्टेज बन गया था प्रॉपर, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है, हमारा प्रॉब्लम था इस साइड में, ये जो हमारा राइट साइड है इधर का। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें इतने सारे हटा दिए थे, फिर भी मेरा पिक्चर सही नहीं बन रहा था, मतलब पिक्चर बन भी नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसका जो ये पहला दूसरा तीसरा ये दोनों लगा दिया, तो मेरा कुछ पिक्चर में हरकत बना,
तो इन दोनों को मैंने अपर जम्पर कर दिया। उसके बाद मैंने देखा तो पिक्चर हाफ सी बनने लगी, तो फिर ये दूसरा मैंने दो पॉइंट आपस में और वो कर दिए, जोड़ दिए। तो अब मेरा देख सकते हैं कि मेरा सेट किस कंडीशन में है। तो सेट मेरा अब रनिंग कंडीशन में है। अभी मैं ऑन करता हूँ सेट को, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो भी लोगो वोगो वगैरह। अब इसमें प्रॉपर इसका पीसी वाला वायर लगेगा तब इसमें कुछ देख पाएंगे हम लोग क्लियर, लेकिन अब मेरे हैंड से ये बिल्कुल ओके हो गया, कोई इसमें कमी नहीं है। देख सकते हैं आप लोग किस कंडीशन में आया हुआ था। और हमारा एक ये दो तीन ट्रैक हटाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे फॉल्ट आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों।